कुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है, और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्शन नहीं है बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की दशा, दिशा, मनोदशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और साथियों, पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा।